स्टैंडर्ड फाइव यूनिट टेन द सुप्रीमो यूनिट टेन द सुप्रीमो यहाँ पे एक पोएम है द सुप्रीमो किसको कहा गया है द सन एक्टिविटी वन स्टडी द शेडोज एंड मैंसन द टाइम ऑफ द डे यहाँ पे टाइम दिया गया है आपको क्या करना है यू हैव टू सी द शेडो एंड मैंसन द टाइम कौन सा टाइम हुआ होगा सो यू कैन फाइंड आउट हाउ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सन की पोजिशन से यू कैन फाइंड आउट द टाइम सो यहाँ पर कौन सा टाइम है टू फिफ्टीन पी एम यू कैन गो आउट एंड फाइंड आउट ओके सी हीयर वाट इज़ द टाइम सेवन थर्टी ए एम देन फाइव थर्टीन पी एम को आपको ऐसा शेडो मिलेगा ट्री का और टेन ए एम एक्टिविटी टू मेक अ चार्ट ऑफ यर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स तो यहाँ पे टाइम दिया गया है आपको उसके हिसाब के आपका टाइम टेबल लिखना है सिक्स ओ क्लॉक आप क्या करते हैं नाइन ओ क्लॉक वन ओ क्लॉक ओके सो यू कैन राइट हियर ओके सिक्स ओ क्लॉक आप क्या करते हैं पहले तो आप उठते हैं सो यू कैन राइट गेट अप देन वॉट यू डू ब्रश माई टीथ आप नहाते हैं तो राइट आई टेक माई बाथ नाइन ओ क्लॉक सुबह के नाइन ओ क्लॉक आप क्या करते हैं

सेवन ओ क्या करते हैं शाम को तो so, शाम को सात बजे हम खाते हैं ओके okay? खाना खाते हैं देन यू कैन राइट आई हैव माय डिनर देन व्हाट यू डू आई वॉच टीवी सो यू कैन राइट दिस टेन ओ क्या करते हैं वी स्लिप ओके सो मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रन यू गो टू स्लीप अर्ली और टेन ओ क्लॉक बाई टेन ओ वी गो टू स्लिप सो यू कैन राइट यर गो टू स्लीप Activity three: Study the poem. Here, the poem is "The Supremo." I will read out the poem. When the great sun comes up at down, he is the king of the sky. He says to the stars, "Get out of my sights, be gone." And the moon turns perfectly white in the powerful light. Then he climbs the sky to the height of noon and sits on his thorn, brighter than bright and reigns alone. But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins to ebb and wane. And when he goes down, in his kingly way. At the end of the day, he ceases to rain. The darkness falls, the stars come out, and night returns to the world again. The Supremo, when the great sun comes up at dawn, dawn means. subami, early in the morning. So, subami jab sun aata hai. ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई सो स्काई में क्या नज़र आता है जब किंग आता है तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स सो ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई स्काई में ओनली द सन इज़ देर ही सेज टू द स्टार्स गेट आउट ऑफ माई साइट्स बिगॉन ओके सो जब सन आता है उस स्टार्स को क्या कहता है जस्ट गो आउट ऑफ माई साइट्स यहाँ से चले जाओ मतलब सन जब आता है यू कैन नॉट सी द सो ही सेज बिगॉन बिगॉन मतलब गो अवे एंड देन मून टर्न्स परफेक्टली वाइट जब सन राइज होता है तो आपको मून दिखाई देता है नो टर्न्स परफेक्टली वाइट सो यू कैन नॉट सी द मून इन द पावरफुल लाइट पावरफुल लाइट किसको बोला गया है सन की रेस ओके सो सन की जब रेस आती है पावरफुल लाइट होती है यू कैन नॉट सी द मून देन ही क्लाइम्स द स्काई धीरे धीरे वो स्काई में आगे बढ़ता है यस यू कैन सी राइजिंग सन टू द हाइट ऑफ नून एंड सिट्स ऑन ही स्थान हाइट ऑफ नून कब होता है बारह बजे आप देखो कितनी गर्मी होती है सो इट इज द हाइट ऑफ नोन बहुत गर्मी होती है बारह बजे एंड सिट्स ऑन हिस्टोन सो बारह बजे जैसे वो अपनी कुर्सी पर राजा की तरफ बैठता है ब्राइटर देन ब्राइट एंड रेन सलोन सो बारह बजे ब्राइटर देन ब्राइट मतलब उसका तेज बहुत होता है और जस्ट ही इज़ रूलिंग द स्काई ही इज़ ऑनली इन द स्काई बट वैन ही डिसेंस मीनिंग ऑफ डिसेंट इज़ गोज डाउन सो आपने देखा है दोपहर के बाद बारह बजे के बाद ही गोज डाउन इन द वेस्ट सो वेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून द शेडो इज ग्रो लॉन्ग सो शेडो कैसा हो जाता है लॉन्ग हो जाता है एंड पावर बिगीन्स टू ए बेन वेन ए बेन वेन मीन्स टू लूज़ पावर सो उनका पावर है सन का पावर दोपहर को ज़्यादा है लेकिन जब धीरे धीरे वो

एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन सो जैसे ही सनसेट होता है डार्कनेस फॉल्स मतलब अंधेरा होने होने को होता है और आपको सूर्य नहीं दिखाई देता सिर्फ अंधेरा होता है जब अंधेरा होता है तो कौन आता है स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न सो सन के चले जाने के बाद नाइट वापस आती है टू द वर्ल्ड अगेन ओके सो मॉर्निंग में ही इज द किंग In the afternoon he loses his power and slowly darkness comes to the world again and you get the night.